As you know, the kidneys are very important organs in our body. The main function of the kidneys being the purification of the blood by excreting the waste products. किडनीज के और भी बहुत महत्वपूर्ण काम होते हैं. ये बॉडी में हमारी हीमोग्लोबिन का लेवल मेंटेन करने में और बोन्स की हेल्थ को मेंटेन करने में भी बहुत मददगार होता है. क्रॉनिक किडनी डिजीज़ आजकल एक लीडिंग कॉज है जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, और ये देखा गया है कि आजकल इसका इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, जिसका मुख्य कारण अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ है. क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं लगता कि उन्हें डायबिटीज़ है, तो इसका इलाज समय पर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से किडनी को क्षति पहुंचती रहती है. और समय समय पर अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये किडनी फेलियर के रूप में प्रेजेंट करता है. किडनी फेलियर अगर किसी को हो जाता है तो उसका जो इलाज है उसमें डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है. तो हमें इन चीज़ों को प्रिवेंट करना है. तो प्रिवेंशन के लिए हमें समय समय पर अपने डॉक्टर के पास जाकर, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाकर अपने जांच करानी है और समय पर ट्रीटमेंट लेना है. मेन उद्देश्य इन किडनी डिजीज़ को प्रिवेंट करने का है कि हमें इसके प्रोग्रेशन को हॉल्ट करना है, ताकि हम डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की स्टेज तक ना पहुँच सके. इन सब चीज़ों के लिए हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए, जिसमें हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, एक हाइड्रेशन का ध्यान रखना चाहिए. और जो दवाइयाँ ओवर द काउंटर पेन किलर्स हम लोग खा लेते हैं, उन सभी को अवॉइड करना चाहिए. और अगर किसी को एक बार किडनी डिजीज़ डायग्नोज हो जाए तो समय समय पर अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाकर उसका इलाज बेसिकली कराना है, क्योंकि हमें उसकी प्रोग्रेशन को प्रिवेंट करना है. इन सब चीज़ों में आपका नेफ्रोलॉजिस्ट आपको गाइडेंस देगा कि कैसे इन चीज़ों को प्रिवेंट करना है. सो आई वुड एडवाइज यू टू हैव अ रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, टू हैव अ डायग्नोसिस एट ए प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट. थैंक यू.